कल मैं ऐसे इंसान से मिली जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और उससे भी बड़ी बात, उसने मेरी ज़िंदगी बनाई। बहुत लोग आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं सकते, बहुत लोग आपकी फीलिंग्स को ओवर समझते हैं। आई थिंक शायद इसीलिए ना हम कभी कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं करते। शहनाज के लिए मेरी फीलिंग्स मैं जितनी चाहूँ, जितनी दबाना चाहूँ उतनी उभरती है। मैंने इस बारे में सिर्फ मेरे पापा, मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी सिस्टर, उनसे ही बात नहीं की, बल्कि शहनाज के बारे में मैंने हर उस इंसान से बात की है जिससे मैं इवन अगर सिर्फ एक दिन के लिए मिली, इतना मानती हूँ मैं उसे। शहनाज मेरी ज़िंदगी में तब आई जब मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ थी। हाँ, मैं ऐसे कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में आई, क्योंकि भले ही हमारा कन्वर्सेशन टू वे कन्वर्सेशन ना हो, बट उस वन वे कन्वर्सेशन में भी मैं उससे इतनी सारी बातें कर देती हूँ, या वो मुझे इतना कुछ सिखा देती है जो मेरे समझ से परे है, जो मुझे समझ नहीं आता कि कोई कैसे समझा सकता है। मैं नास्तिक नहीं हूँ, ऑफ कोर्स आई बिलीव इन गॉड, बट आई ऑलवेज बिलीव इन माय कर्मा। पर शहनाज से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि भगवान है, वो है, बस हम इतने पाप कर चुके हैं, हम इतने इतने कमीने हो चुके हैं कि हम उसे फील नहीं कर पाते, हम उसे देख नहीं पाते। आई स्टिल रिमेम्बर 2 सितंबर को जब वो हादसा हुआ, मैं बहुत परेशान हो गई थी। एक 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 माँ वाली फीलिंग आ रही थी, एक सिस्टर वाली फीलिंग आ रही थी, कैसे रहेगी शहनाज, कैसे संभालेगी खुद को। डर लग रहा था, गुस्सा आ रहा था भगवान पे कि क्यों किया उसने ऐसा शहनाज के साथ, एक ही इंसान के लिए। मैं इतनी सेल्फिश हूँ कि मैंने भगवान से कभी किसी के लिए कुछ नहीं मांगा, बट मैंने हमेशा शहनाज के लिए मांगा। मैंने कहा उसे खुश रखना, उसे उसका प्यार दिला। गुस्सा आया कि यार एक चीज़ मांगी थी वो भी नहीं दे पाया, तो एंड देन हमारी टेंशन, हमारी वरीज, शहनाज और सिद्धार्थ की फैमिली, उन्होंने खुद ही दूर कर दिया। एंड देन बी के शिवानी केम इन माई लाइफ एंड शी चेंज्ड माई लाइफ इन अ वेरी पॉजिटिव वे। सो नो मोर टॉक अबाउट ऑल दिस। शहनाज, तो यस्टरडे कल मैं शूट कर रही थी, दिन बहुत अच्छा शुरू हुआ, बट जो हुआ उसका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये भी हो सकता है। सो दिन अच्छा शुरू हुआ, मैं सुबह उठी, शूट पे गई, प्रोजेक्ट आई कांट रिवील मैंने शूट किया। मैं अपनी दोस्त से मिली, मेरा पैक हो गया, मैं अपनी दोस्त से मिली, मेरी वैनिटी उसे हैंड ओवर हो गई थी। सो शी सेड वेट ना, बात करते हैं। मैंने कहा नहीं यार, जाती हूँ घर, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग भी करती हूँ। मैं वहाँ से निकली, और जैसे ही मैं वहाँ से निकली, आई सॉ कौशल जोशी। एंड वो एक होता है ना कि जैसे अपने अपने बेस्ट फ्रेंड को मिलने के बाद हम एकदम खुश हो जाते हैं, या बहुत सालों के बाद कोई दोस्त मिले, तो I was wearing mask, but he could see my expressions and he said कि मैं आपको जानता हूँ क्या। मैंने कहा आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। He said okay, कैसे। मैंने कहा I'm a huge fan of Shehnaz, and he said okay, maybe he is used to these expressions now. तो मैंने कहा कि ही सेड कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा आई एम शूटिंग यहाँ, एंड आई जस्ट गॉट पैक्ड अप एंड आई एम लीविंग।
कौशल, आई डोंट से दिस टू एनीबडी यूजुअली, बट कैन आई प्लीज टेक अ पिक्चर विथ यू? ही सेड, व्हाई विथ मी? आई सेड, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ शहनाज. ही सेड, ओके, सो शहनाज के साथ कर लो. एंड मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन फिसल गई. मैंने कहा, वो क्या? हाँ, शहनाज के साथ खींच लो. मुझे लगा कि या तो ये सपना है, या तो ये बंदा कौशल जोशी है ही नहीं, या पता नहीं क्या. इट टुक मी 5 मिनट्स टू रियलाइज़ कि ये सच हो रहा है जो मेरे आजू बाजू में हो रहा है. अच्छा, साइमल्टेनियसली मैंने वैनिटी से बाहर निकलते वक्त कैब बुक कर दी थी. जो कैब वाला था वो मेरे सामने खड़ा था. ही वॉज कॉलिंग मी. मेरे हाथ में फ़ोन था और मैंने फ़ोन जो बाजू का जो बटन होता है जिससे फ़ोन साइलेंट पे जाता है, वो दबा दिया. आई थिंक 5-6 मिनट रुकने के बाद वो चला गया. उसके बाद जैसे ही मैं रियलिटी में आई, मुझे पता चला, अरे कैब वाला तो चला गया. उतने में कौशल ने कहा, हेलो, लेकिन आपको 30 मिनट्स रुकना पड़ेगा. मैंने कहा, हाँ कोई बात नहीं, आई हैव वैनिटी, हाँ आई विल वेट. मेरे को और कौशल लेफ्ट, ही गॉट कैन कॉल मी लेफ्ट. वैनिटी में आई, मैंने कहा, यार तूने इतनी देर कहा रुक, तो मैं रुकती हूँ. और हमने काफ़ी बातें की, पर मेरा ध्यान उससे उसके साथ बातें करने में बिल्कुल भी नहीं था. मेरा ध्यान बस इसी चीज़ में था कि जब मैं शहनाज से मिलूँगी मैं क्या कहूँगी, या मैं कैसे बात करूँगी. एंड ऑल ऑफ अ सडन 5:30 मैं भागते गई. मैंने उसे कहा कि मैं ज़रा होके आती हूँ, मिल के आती हूँ किसी से. मैं गई, आई सॉ कौशल वॉज सेटिंग देयर, आई सैट नेक्स्ट टू हिम. ऐसे ही बातें कर रहे थे. मैंने उसके मेकअप के बारे में बातें की, मैंने उसके टीम के बारे में बातें की, मैंने काफ़ी सारी बातें की. और फिर उसने कहा, और देन बलजीत चीमा, हाँ मेकअप हेयर स्टाइलिस्ट, वो स्टैंडिंग देयर. तो कौशल ने उसे पूछा कितना टाइम, और चीमा ने कहा, आई थिंक चीमा सेड 20 मिनट्स, एंड ही वॉज लाफिंग. तो मुझे लगा कि मे बी कौशल को नहीं चाहिए कि मैं उससे मिलूँ, या फिर शायद इतना टाइम ना हो शहनाज के पास. तो मैंने कहा, इट्स ओके कौशल, आई एम फाइन, इवन अगर मैं उससे ना भी मिल पाऊँ तो इट्स फाइन, बिकॉज वो मेरे लिए कुछ अलग ही है. वो मैं उसके साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ी हूँ, मतलब उसको देख भी लूँ ना. और शायद वो होता है ना कि आप भगवान से नहीं मिल सकते तो जब तक आप चले नहीं जाते. एंड देन ही स्माइल्ड एंड सेड, चलो. मैंने कहा, अरे चलो. एंड हम उस दरबार सेट के गेट के अंदर जा रहे थे. मैंने वहाँ पे सैनिटाइज़र रखा हुआ था, मैंने हाथों को सैनिटाइज़र लगाया पूरे अपनी, जहाँ तक मैं लगा सकती थी बॉडी को सैनिटाइज़र लगाया, कि कहीं अगर किसी भी इंसान ने मुझे धक्का भी मारा हो, जिसके जर्म्स अगर मेरे हाथ में हो, तो वो शहनाज तक ना पहुँचे.